माँ बाप भाई बहन में जहाँ प्यार होता है, परिवार में हर दिन वहाँ त्योहार होता है। परिवार के साथ खुशी या गम का अंदाज कुछ और ही होता है। परिवार से बढ़कर सारा जहान भी नहीं होता। परिवार निजी हो या संयुक्त, यह बात अलग है। मोबाइल का साथ बढ़ने से व्यक्ति निजी तौर पर ही केंद्रित होता जा रहा है। पारिवारिक सदस्य का रूठना और मनाना तो वर्तमान में लगभग बंद सा हो गया है, या यूं कहें कि खुशी हो या गम, जिसमें किसी पारिवारिक सदस्य का शामिल होना या न होना कोई मायने नहीं रखता। शायद इसी सोच पर वर्तमान परिवेश में निजी मस्ती में आदमी गुम होता जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय के साथ इंसान के जीने का मकसद बहुत बड़ा हो जाता है। सरलता में हम समझें तो इसका मतलब है कि इस पृथ्वी पर जितना भी जनमानस है वह हमारा ही परिवार है। लेकिन इसे तो छोड़िए, अब हम संयुक्त परिवार को भी खोते जा रहे हैं, जो बेहद चिंतनीय है। अब मैं और मेरा परिवार में जी रहा इंसान केवल और केवल मैं की ओर ही बढ़ता नजर आ रहा है। मतलब साफ तौर पर देखा जाता है कि वर्तमान में अधिकांश युवा वर्ग मोबाइल की दुनिया अर्थात डिजिटल लाइफ में जी रहा है। शायद इसी का दुष्परिणाम ही युवा वर्ग में सुसाइड का बढ़ता चलन है, जो परिवार के मुखिया एवं समाज के उन तमाम चिंतकों के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। रुड़की कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल शर्मा कहते हैं, माँ बाप भाई बहन में जहाँ प्यार होता है, परिवार में हर दिन वहाँ त्योहार होता है। रंध होता न भारी, संग परिवार होता है, खुशियाँ हो न्यारी, दिलों में प्यार होता है। कस्बा जिंदाना निवासी पूर्व प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार शर्मा के बेटे डॉक्टर विशाल शर्मा परिवार के सदस्यों को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि परिवार में पिता अगर गलतियों पर डांटते हैं तो अपने जीवन की खुशियाँ परिवार में बांट देते हैं, जबकि माँ बाप अपने बच्चे की सभी मुश्किल दूर करती है और परिवार की खुशहाली के लिए माँ हमेशा समर्पित रहती है। भाई हाथ पकड़कर राह दिखाता है और बहन के लिए वे लिखते हैं, बहन हर किसी के घर की जान, वह जान होती है। माँ बाप भाई के चेहरे की वह मुस्कान होती है। मेरे लिए वह सबसे तकरार करती है, सबसे ज़्यादा भाई से वह प्यार करती है। कस्बा निवासी श्रीमती मधुरानी वर्मा कहती हैं कि संयुक्त परिवार के साथ खाना खाने का, त्यौहार मनाने का आनंद और महत्व अलग ही होता है। सभी परिजनों के बीच हर त्यौहार और खुशी कई गुना बढ़ जाती है। वहीं तमाम समस्याओं का निराकरण भी सरलता से हो जाता है। श्रीमती अनिता शर्मा कहती हैं कि परिवार के बीच रहन सहन से सभ्यता और संस्कार बच्चों को सरलता से जहन में समझ आ जाते हैं। श्रीमती मुनेश वर्मा कहती हैं कि संयुक्त परिवार गृहस्थ जीवन का सबसे जटिल संघर्षपूर्ण हिस्सा होता है, जो हर उतार चढ़ाव के बीच इंसान को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा की रिपोर्ट।